भोजपुरी फिल्म को सिनेमा घरों के बाद आप लोग सोशल मीडिया पर देखने के लिए बेसब्री से इंतजार करते हैं। सब लोग चाहते हैं कि हमें वो फिल्म जल्दी से सोशल मीडिया पर देखने को मिले, जबकि फिल्म मेकर चाहते हैं कि सोशल मीडिया से पहले आप लोग उनकी फिल्मों को सिनेमा घरों तक जाकर देखें ताकि उन्हें मुनाफा हो और वो अगली फिल्म उससे अच्छी बना सकें। लेकिन आजकल कुछ दिनों से भोजपुरी इंडस्ट्री में फिल्में पहले ही रिकॉर्ड करके कॉपी करके वायरल कर दी जाती हैं समय से पहले। सिनेमा घरों से फिल्म को फ़ोन में रिकॉर्ड करके कई लोग डाल देते हैं सोशल मीडिया पर, जिससे बाद में रिलीज़ होने वाली फिल्मों को होता है भारी नुकसान। इसके लिए भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के नए नवेले डायरेक्टर योगेश राज मिश्रा ने उठाया है एक खास कदम। आप लोग जानते होंगे, एक से दो दिन पहले ही दबंग सरकार फिल्म को कॉपी करके किसी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से शेयर कर दिया। बस उसके बाद क्या था, योगेश राज मिश्रा किसी तरह उस लड़के तक पहुंचे और उसके खिलाफ FIR भी दर्ज करवाई। लेकिन उस लड़के ने मांग ली है माफ़ी और डिलीट करने का कर लिया है फैसला। लेकिन बाकियों के लिए योगेश राज मिश्रा ने एक सीख ज़रूर दे दी है ताकि उनकी फिल्मों को या फिर किसी भी भोजपुरी फिल्म को कॉपी करके कोई ना डाले, वरना अगली बार से योगेश राज मिश्रा कोई कड़ा कदम भी उठाएंगे। ये बात उन्होंने अपनी एक कॉल रिकॉर्डिंग में की है जो इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर शेयर की जा रही है। योगेश राज मिश्रा आग बबूला हुए उस समय ये सुनकर कि जब उनकी ही फिल्म रिलीज होने से पहले ही किसी ने रिकॉर्ड करके वायरल कर दी है। इस बात से योगेश राज मिश्रा काफ़ी खफा थे और उन्होंने गुस्सा कॉल रिकॉर्डिंग में निकाला है जो अभी तक आप लोग सोशल मीडिया पर सुन भी चुके होंगे। नेक्स्ट टू नाइन न्यूज़ भोजपुरिया से ममता की रिपोर्ट।